जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं भारत में स्थित प्रमुख परमाणु नाभिकीय केंद्र। अब देखते हैं इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कि नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह दो बड़े बड़े नाभिकों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा आपकी मुक्त होती है। तो दोस्तों यह दो टाइप की होती है नाभिकीय विखंडन, एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और एक अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से आपका विद्युत उत्पन्न की जाती है और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है वो आपकी परमाणु बम में की जाती है। आपका परमाणु बम आपका बनाया जाता है जिससे कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है और जो कि विध्वंसक होती है। और नाभिकीय विखंडन की जो आपकी नियंत्रित आपकी अभिक्रिया है वो आपकी बिजली उत्पन्न करने में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों नाभिकीय आपकी नियंत्रित अभिक्रिया है उसमें आपका न्यूट्रॉन मंडल के लिए आपका भारी जल का या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए कैडमियम या फिर बोरॉन की छड़ें आपकी उपयोग की जाती हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं इसमें आपका प्रमुख केंद्र देखते हैं आपके। तो सबसे पहले आप पहला आपका जो परमाणु प्रांत था जो वो था आपका तारापुर, जो कि आपका मुंबई में आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर दो इकाइयाँ हैं आपकी 160 मेगावाट और दो इकाइयाँ हैं 540 मेगावाट की। और दोस्तों ट्रामवे में आपका भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर है, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर भाभा अनुसंधान संस्थान है आपका, यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थित है ट्रामवे में। और महाराष्ट्र के अंतर्गत जैतापुर या फिर रत्नागिरी में ही फ्रांस के सहयोग से 6 इकाइयाँ जो कि 1650 मेगावाट की स्थापित की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आपका नरोरा परमाणु प्लांट है जो आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है और यहाँ दो इकाइयाँ लगी हुई हैं 220 मेगावाट की। तो नरोरा परमाणु प्लांट आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। इसके अलावा दोस्तों रावतभाटा है जो रावतभाटा आपका कोटा में स्थित है और यहाँ पे आपकी एक इकाई 100 मेगावाट की, एक इकाई 200 मेगावाट की और चार इकाई 220 मेगावाट की और दो इकाई आपकी 700 मेगावाट की है जिससे कि विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो रावतभाटा परमाणु प्लांट है जो आपका कोटा में स्थित है। और दोस्तों फतेहाबाद आपका फतेहाबाद के गोरखपुर गाँव में आपका हरियाणा में वहाँ पर आपका चार इकाइयाँ जो 700 मेगावाट की हैं, यह स्वदेशी है आपका यहाँ पे। और आप देखते हैं गुजरात में काकरापार है जो काकरापार परमाणु प्लांट यहाँ पे दो इकाइयाँ 220 और दो इकाइयाँ 700 मेगावाट की स्थापित की गई हैं और यह गुजरात में है। तो काकरापार गुजरात और मीठी ब्रिडी जो कि अमेरिका के सहयोग से यहाँ पर परमाणु प्लांट लगाया गया है, 6 इकाइयाँ हैं 1000 मेगावाट की। तो काकरापार और मीठी ब्रिडी गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं चुटका परमाणु प्लांट है जो या तो मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर दो इकाइयाँ हैं जो कि 700 मेगावाट की हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कैगा, कैगा आपका कर्नाटक में, यहाँ पर चार इकाइयाँ 220 मेगावाट और दो इकाइयाँ 700 मेगावाट की हैं। और दोस्तों कुंडलकुलम आपका परमाणु प्लांट है जो कि रूस के सहयोग से आपका लगाया गया है, यहाँ पर चार इकाइयाँ 1000 मेगावाट की हैं। और दोस्तों इसका काफ़ी विरोध हुआ था क्योंकि 2011 में जापान के फुकुशिमा में परमाणु आपका परमाणु प्लांट भूकंप की वजह से आपका वहाँ पर काफ़ी विस्फोट हो गया था जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी जान माल की हानि हुई थी, जिससे कि जब यहाँ पर ये लगाया जा रहा था तो ग्रामीण लोगों ने या फिर क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पर काफ़ी विरोध किया कि जब जापान जैसा देश अपना परमाणु प्लांट की रक्षा नहीं कर सका या फिर नहीं बचा सका तो यहाँ पर भारत में क्या हाल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुंडलकुलम आपका रूस के सहयोग से लगाया गया तमिलनाडु में और कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। इसका अन्य नाम इंदिरा गांधी परमाणु प्लांट है जो कि यहाँ पर दो इकाइयाँ 220 मेगावाट की हैं, ये दोनों आपकी कलपक्कम और कुंडलकुलम आपका तमिलनाडु में है। अब दोस्तों एक है आपका कोवाड़ा, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों हरिहर पश्चिम बंगाल में जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, 6 इकाइयाँ यहाँ पर
1000 मेगावाट की है। तो दोस्तों इसमें हमने देखा फतेहाबाद हरियाणा में, सराव भाटा कोटा राजस्थान, कांगड़ा पार्क और मीठी ब्रेडी गुजरात, तारापुर ग्रामीण जैतापुर या रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में, केरला कर्नाटक, कुनाडकुलम और कलपत्तम आपकी तमिलनाडु में, और कुवाड़ा आंध्र प्रदेश, और हरिहर पश्चिम बंगाल, चुटका मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आपका कि जो क्रम है आपका ऊर्जा उत्पादन का क्रम है, जो नाभिकीय ऊर्जा का दोस्तों विद्युत उत्पादन में आपका जो योगदान है केवल 2% है। नाभिकीय ऊर्जा का योगदान विद्युत उत्पादन में 2% है। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन में आपका तापीय विद्युत का योगदान है जो कि 64% लगभग 64% है, जिसमें कि आपकी कोयला, गैस और आपका तेल आता है जिससे कि विद्युत उत्पन्न की जाती है। और इसके बाद आपका नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत, जैसे आपकी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इन सभी इस सब मिला के आपका 21% है। तो सबसे अधिक तापीय विद्युत फिर नवीकरणीय आपका अक्षय ऊर्जा स्रोत। इसके अलावा जल विद्युत का 13% योगदान है और नाभ की ऊर्जा का 2% योगदान है। तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक योगदान आपका तापीय विद्युत का और सबसे कम योगदान नाभ की ऊर्जा का है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तापीय विद्युत, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा, इसका क्रम बताएं। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न होती है आपकी तापीय विद्युत से। इसके अलावा दोस्तों दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपका जल विद्युत, क्योंकि यहाँ पे केवल पवन ऊर्जा की बात की जा रही है। पवन ऊर्जा का क्रम बताना है तो सबसे अधिक तापीय विद्युत, फिर जल विद्युत, फिर इसके अलावा पवन ऊर्जा, फिर आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो ये क्रम पूछा गया था एग्जाम में। अब दोस्तों देखते हैं कुछ एनटीपीसी केंद्र जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओबरा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपका एक ओबरा है आपका सोनभद्र यूपी में है, जो कि रूस के सहयोग से लाया गया था 1971 में। बनकपोरी आपका ये गुजरात में है, एनटीपीसी केंद्र है जहाँ जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है तापीय विद्युत खासतौर से। रामगुंडम एनटीपीसी केंद्र आपका तेलंगाना में, जो कि यहाँ पर 2600 मेगावाट आपका विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा एनटीपीसी केंद्र है रामगुंडम। रायचूर आपका कर्नाटक में है, रायचूर एनटीपीसी केंद्र कर्नाटक में है। इसके अलावा दोस्तों बदरपुर आपका दिल्ली में, बदरपुर एनटीपीसी केंद्र दिल्ली में, उतारन आपका गुजरात में, और पारस महाराष्ट्र में, और हरदुआगंज आपका उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा इसमें कि प्रमुख आपके परमाणु उत्पादन, परमाणु केंद्र और एनटीपीसी केंद्र भी यहाँ पर देखें और उनकी स्थिति देखी। जय हिंद दोस्तों।